तो दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है और जिम के बिना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे पर्सनली पता नहीं अब इस साल क्या होने वाला है कि जिम खुलेंगे भी या नहीं खुलेंगे। तो अब हमारे पास ऑप्शन ही बचता है बॉडी वेट ट्रेनिंग का। अब लोगों को बॉडी वेट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग में फ़र्क नहीं पता, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि बॉडी वेट ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या हैं, वेट ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा करना ज़्यादा बेटर है। वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारी कोई वीडियो मिस ना हो, और स्टार्ट करते हैं। जब बात आती है कैलिस्थेनिक्स AKA बॉडी वेट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग की, तो अगर तुम एक कैलिस्थेनिक्स करने वाले इंसान से पूछोगे कि वेट ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है, तो मोस्टली बंदे यही बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग में इंजरी हो जाती है या फिर उसका बॉडी बिल्डिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर तुम एक वेट ट्रेनिंग वाले इंसान से पूछोगे कि कैलिस्थेनिक्स का क्या फ़ायदा है, तो वो ये बोलेगा कि उसमें बॉडी की ग्रोथ नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, दोनों के अलग अलग नुकसान हैं। तो अगर हम बात करें कैलिस्थेनिक्स और बॉडी वेट ट्रेनिंग की, तो कैलिस्थेनिक्स हमारे डेली लाइफ फंक्शंस इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब भी हम कैलिस्थेनिक्स प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती है उनको विदाउट रिस्ट्रिक्शंस हम लोग मूव करते हैं, मतलब अपनी बॉडी हम विदाउट रिस्ट्रिक्शन मूव करते हैं। और अगर हम बात करें वेट ट्रेनिंग की, तो उसमें हम एक ही जगह रहकर जो फ्री वेट्स होते हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगर तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हमें वेट्स लिफ्ट करने पड़ेंगे। ये चीज़ अप्लाई होती है मसल बिल्डिंग में भी, क्योंकि उसमें भी हम अपनी वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं अपना सेट्स, रेप्स और लोड बढ़ाकर। और जब बात आती है कैलिस्थेनिक्स की, तो कैलिस्थेनिक्स की मूवमेंट थोड़ी टिपिकल होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कैलिस्थेनिक्स वाले इंसान को अपनी बैक और बाइसेप्स दोनों टारगेट करने हैं, तो उसको दो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जो कि होगी चिनअप्स और पुलअप्स। और एक फ्री वेट वाला इंसान उसको सिर्फ एक एक्सरसाइज करके कर सकता है जो कि लैट पुल डाउन्स। तो अगर तुम लोगों को कम लर्निंग करनी है और मसल बिल्डिंग करनी है, तो तुम लोग फ्री वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। बात करें इंजरीज़ की, तो दोनों केसेस में इंजरीज़ हैं। अगर तुम लोग दोनों की एक्सरसाइजेस प्रॉपर मूवमेंट के साथ नहीं करोगे तो इंजरी होगी ही होगी। तो अब इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम फ्री वेट ट्रेनिंग करना चाह रहे हो तो तुम्हें जिम के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और अगर तुम जिम की मेंबरशिप नहीं लेना चाह रहे तो तुम्हें अपने घर के लिए वेट्स लेने पड़ेंगे। और जबकि कैलिस्थेनिक्स की हम बात करें तो कैलिस्थेनिक्स काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा वेट्स वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ एक पार्क चाहिए जहाँ पर हम कुछ पैरेलल बार्स से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रैडल लीन, प्लांच लीन। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक पुलअप बार ऑर्डर कर सकते हो अपने घर के लिए। और कैलिस्थेनिक्स जब हम करते हैं तो वो एक एक्सरसाइज के टाइम पे काफ़ी मसल्स टारगेट करता है, जबकि फ्री वेट करते टाइम हम एक टाइम पर एक या दो मसल्स ही टारगेट कर पाते हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि दोनों में से क्या बेटर है। तो इसका जवाब है, इट डिपेंड्स। तुम लोग अगर चाह रहे हो कि लेस लर्निंग एफर्ट्स डालकर हम लोग मसल बिल्डिंग कर लें, तो तुम वेट ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। और अगर तुम लोग ये चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी को तुम जैसे मर्जी मूव कर सकते हो, तो तुम कैलिस्थेनिक्स के लिए जा सकते हो। बट अगर मेरे से पूछो तो मैं ये बोलूँगा कि तुम दोनों करो, क्योंकि दोनों के एडवांटेजेस अपनी अपनी जगह अगर हम कंबाइन एक जगह कर दें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे लिए साबित होने वाला है, क्योंकि तुम मसल बिल्डिंग के साथ ही अपनी बॉडी मूव करोगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर तुम लोग चाह रहे हो अपना कोर स्ट्रेंथ ज़्यादा करना और अपना माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना, तो मैं तुम्हें ये एडवाइस करूँगा कि कैलिस्थेनिक्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। नीचे कमेंट्स में ये भी तुम लिख सकते हो कि तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन टॉपिक्स पर वीडियो बना पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।